हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी फ्रांसीसी क्रांति करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्रांति क्या है, फ्रांसीसी क्रांति आखिर क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के समाज की क्या स्थिति रही। दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे स्किप ना करें। यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों उसे लाइक कर दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रांति का अर्थ क्या होता है। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन। अब ये परिवर्तन छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फ्रांसीसी क्रांति का एग्जाम्पल लें तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के रूप में क्रांति का एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव से था। अब ये सामाजिक बदलाव दोस्तों राजनीतिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है, राजनीतिक रूप से भी हो सकता है और सांस्कृतिक रूप से हो सकता है। अब क्रांति का अर्थ आपको पता चल गया दोस्तों, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है, परिवर्तन से है। परिवर्तन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो क्रांति से ही संबंधित माना जाता है। अब क्रांति होती क्यों है दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति होने का जो एकमात्र कारण होता है, चाहे दोस्तों आप प्राचीन सभ्यता की बात करें, चाहे मध्यकालीन भारत की बात करें, या आप पूरे यूरोपीय इतिहास की बात करें, तो क्रांति की वजह एकमात्र रही वो है दोस्तों भेदभाव। जहाँ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है वहाँ पर क्रांति ने जन्म लिया है। ठीक इसी अगर हम अपने भारत की बात करें दोस्तों, तो 1857 में जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उस स्वतंत्रता आंदोलन के एकमात्र कारण यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीयों के साथ दोहरे नागरिकों जैसा व्यवहार किया, जबकि जो ब्रिटिश के लोग थे उन्हें वो सारे अधिकार प्रदान किए गए थे जो भारतीयों को भी प्राप्त होने चाहिए थे। परंतु दोस्तों भारतीय कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना होते थे, उन्हें एक सूबेदार के पद से ज़्यादा पद प्रदान नहीं किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो ब्रिटिश के सैनिक होते थे उन्हें उच्च पद प्रदान किए जाते थे, और इसी भेदभावपूर्ण जो नीति थी दोस्तों ब्रिटिश सरकार की, भारतीयों के अंदर आक्रोश की भावना भरते हैं, और वो आक्रोश दोस्तों एक दिन फूट पड़ता है जिससे 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। हालांकि जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई वो अचानक से उत्पन्न नहीं हुई। अगर आप फ्रांसीसी क्रांति की बात करें दोस्तों, तो जो उसकी उत्पत्ति थी ये 1774 से पहले की घटनाओं से घटित होने लगी थी। लेकिन ये पूरी तरीके से हमारे सामने का बात यह है जब फ्रांसीसी समाज का जो तीसरा वर्ग था दोस्तों, वह अपने अधिकारों के लिए अपने राजा के साथ संबंधित कार्यों में भाग लेने की बात करता है, और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब अगर हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों आधुनिक यूरोप के इतिहास की सबसे महानतम घटना थी। इसका आरंभ भले ही मैंने कहा कि 1789 हुआ, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत पहले ही से तैयार की रही थी। फ्रांस में राजा, उसके दरबारी, सेना के अधिकारी, चर्च और पादरी जो है दोस्तों जनसाधारण का खून चूस रहे थे। यहाँ पर खून चूसने का मतलब है कि जो आम नागरिक थे, आम नागरिक की अगर हम बात करें तो उस समाज में दोस्तों दास लोग हुआ करते थे, कृषक है ना, भूमिहीन कृषक, व्यापारी लोग, तो इन्हें आम नागरिकों का जो पादरी लोग थे या कुलीन वर्ग लोग थे, पादरी का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों वह लोग जो चर्च के कार्यों को किया करते, उन्हें पादरी कहा गया है। अब कुलीन वर्ग मतलब क्या होता है, जो उस समाज में सबसे धनी वर्ग से संबंधित लोग थे उन्हें कुलीन वर्ग कहा गया था, राइट। जैसे आज के हमारे यहाँ पर हम कुलीन वर्ग की बात करें वर्तमान में, तो जो अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, उन्हें हम कुलीन वर्ग कहते हैं, जिनके पास धन संपदा बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में दोस्तों अगर देखें तो 90% जो प्रॉपर्टी है वो 2% व्यक्तियों के पास है, और बाकी जो 10% प्रॉपर्टी है वो 90% लोगों के पास है। तो ये भेदभावपूर्ण नीति आज भी है, पहले भी थी। तो यही फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों कारण बना। क्लियर हो गया दोस्तों कि कारण क्या था फ्रांसीसी क्रांति का, और ये जो घटना थी फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों ये अचानक से उत्पन्न नहीं होती है, इसकी जो नींव थी बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। अब जो फ्रांसीसी समाज, मैंने कहा कि दोस्तों फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग में दोस्तों, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और तृतीय स्टेट।
अगर हम इसे वर्तमान भारत के प्रदृश्य से देखें, इसे जोड़कर देखें, तो दोस्तों जैसे अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। अब जो दोस्तों अमीर वर्ग था, जिसे हम प्रथम स्टेट कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति से पहले, उसे प्रथम स्टेट कहा जाता है। जो प्रथम स्टेट था और जो द्वितीय स्टेट था, इन्हें हर प्रकार से अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन जो तीसरा स्टेट था दोस्तों, जिसमें आम नागरिक या आप कह सकते हैं किसान, मजदूर, कामगार, श्रमिक, व्यापारी लोग आते थे, इन्हें तीसरे स्टेट का दर्जा दिया गया। यानी इनके पास तो दोस्तों, यानी इन पर अधिकांश कर तो लगाए जाते थे, लेकिन प्रथम दोनों वर्ग जैसा अधिकार इन्हें प्रदान नहीं किया गया था। यानी ये समाज के सबसे निचले तबकों में इन्हें शामिल किया गया। किसान की बात करें दोस्तों, तो किसान तो दास्ता में पैदा होता था और दास्ता में ही मर जाता था, और 1789 में स्थिति और भी। तो दोस्तों 1789 की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली आ रही थी, और अंततः दोस्तों जनता का जो रोष था उसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया और फ्रांसीसी क्रांति हो गई। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति की स्थितियाँ थी वो कैसे पनपी, आखिर कौन से कारण रहे जिसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो हमने पहले आपको बताया था कि 1774 में बुरबुर राजवंश का लुई सरवां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। अब बुरबुर राजवंश का जो लुई सरवां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उस समय दोस्तों जो है फ्रांस का जो राजकोष था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। यानी फ्रांस के पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था। अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों लुई सोलहवें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से क्या कर लिया दोस्तों, आज़ाद कराने में सहायता कर दी। अब उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उपनिवेश पर किसी अमीर देश का या किसी शक्तिशाली देश का अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन ने दोस्तों हम पर शासन किया था, तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ठीक ऐसे ही दोस्तों अमेरिका के 13 राज्य जो थे वो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और इन्हीं उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए फ्रांस ने अब अमेरिका की मदद की। अब दोस्तों छुड़ाने के लिए तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फ्रांस पर इसी के चलते 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया। अब 2 अरब लिब्रे मुद्रा का पहले ही कर्ज था फ्रांस पर, अब 10 अरब और यानी 12 अरब रुपये के कर्ज में जो है फ्रांस डूब जाता है। अब लिब्रे क्या होती है दोस्तों, लिब्रे एक प्रकार की मुद्रा का रूप है। जैसे हमारे भारत में अगर हम भारत की बात करें तो जैसे हमारा जो रुपया है दोस्तों, हम उसे रुपया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से तो हर देश के अपने करेंसी का नाम होता है, और फ्रांस की करेंसी का नाम क्या है, लिब्रे है। तो ये लिब्रे है जो मुद्रा संबंधित है। तो 12 अरब लिब्रे का जो कर्ज हो गया, अब इस कर्ज को चुकाने के लिए फ्रांस के जो शासक लुई सोलहवां ने अपने बजट का अधिकांश हिस्सा दोस्तों कर्ज चुकाने पर लगा रहा था, और उसकी मजबूरी भी थी। इसके अलावा दोस्तों अपने जो उसके नियमित खर्च होते हैं, जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय चलाने के लिए जो फ्रांसीसी सरकार ने करों में लगातार वृद्धि करने की योजना बनाई। अब जब करों में वृद्धि करने की योजना बनाई दोस्तों, और इस योजना का जो दबाव पड़ा, कर का जो भार पड़ा, वो किस पर पड़ा दोस्तों, वो पड़ता है तीसरे वर्ग पर, यानी तृतीय स्टेट पर, जो श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, ठीक है, व्यापारी वर्ग था, है ना। और ये अधिक भार इन पर पड़ा क्योंकि प्रथम दो वर्ग थे जो कुलीन वर्ग और जिसे हम पादरी वर्ग कहते हैं, इन्हें अन्य प्रकार के करों से छूट थी। तो दोस्तों ये सारी जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी, इसी नीतियों ने ही फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी लोग फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, ये बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट्स है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें दोस्तों, उसका उत्तर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।